अब देखो बैडेस रवि कुमार का टीजर देखने के बाद एक बात तो मैं कह ही सकता हूँ कि जिस हिसाब से हिमेश रेशमिया ने टीजर के अंदर जो लॉजिक और VFX के नाम पर पूरे 3 मिनट का जहर पिलाया है, उसके सामने तो किंग कोबरा का जहर भी तुमको फीका लगेगा। सीरियसली नहीं, मतलब कि एक सीन में तो अपना हीरो नाव जैसे चप्पू को लेकर भागता है इन गुंडों के सामने, और कमाल की बात तो ये रहती है कि गुंडे भी लाइन से आते हैं उससे पिटने के लिए और चप्पू से टकरा कर गिर जाते हैं। अरे गुंडे भाई साहब, इसके पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास तो है, कम से कम तुम ही दूर भाग लो। और इसके अलावा तो एक सीन में स्क्वाड की टीम धुआंधार गोलियां और बॉम्ब चलाती है और ये भाई साहब चिल मारते हुए पोज देते हुए हवा में भागते हैं, और एक सीन में तो अपना हीरो बिल्कुल ही साफ सूटर बनकर बंदूक चलाता है, वो भी बिना ट्रिगर दबाए। और तुम यकीन नहीं मानोगे कि इन्होंने पूरी शिद्दत से ग्रेविटी को चूना लगाकर कार को 2 टायर पर सामने से घुमा दिया। और टीजर के अंदर जो VFX के नाम पर इन्होंने नकली हेलीकॉप्टर गिराए हैं और कहीं सीमेंट वाले खंबे में आग लगाई है, और ना आओ देखा ना ताओ देखा कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट करके लोगों के अंदर से काला धुआं निकाला है, इन सभी ग्राफिक्स को इन्होंने कोई एडिटिंग स्टूडियो से नहीं बनवाए हैं, ये तो उन्होंने खुद के मोबाइल में पड़े काइनमास्टर ऐप से एडिट किए हैं, और जितने भी उसके अंदर इफेक्ट्स थे सब कुछ इन्होंने टीजर के अंदर डाल